इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने भी ज़ेरोधा के अंदर नॉमिनी के लिए अप्लाई की थी, नॉमिनी ऐड कर रहे हैं और आपका नॉमिनी बार बार रिजेक्ट होता है तो क्या क्या कारण है और नॉमिनी को आप जो है किस तरीके से सही तरीके से ऐड करोगे। काफ़ी सारे लोग कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी तरफ से नॉमिनी जो है रिजेक्ट बताता है। तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिए। अच्छी वीडियो लगने पर लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको माई अकाउंट्स में आना है जो कि वेब के अंदर खुलेगा, क्रोम ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, मैं आपसे आपको दिखा भी देता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर आप जैसे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको अकाउंट्स वाले में मतलब आपके प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पेज जाएगा आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको आना है, नॉमिनी के अंदर आपको बेसिकली आ जाना है। अब नॉमिनी ऐड करने समय आपका जो भी नॉमिनी होगा जिसको ऐड करना है आपको, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लगेगा, नॉमिनी की ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास नॉमिनी की ईमेल एड्रेस नहीं तो आप अपनी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मल्टीपल मोबाइल नंबर है तो उसका दीजिए, अगर आपके पास है तो आप मतलब दूसरा भी दे सकते हैं, अपना भी दे सकते हैं। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग डाल देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ उनकी जो भी जिसको भी आप ऐड कर रहे हैं नॉमिनी के तौर पर, उसका 100% ओरिजिनल होना चाहिए। आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर जो है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगेगी। फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, ये जो भी है आपको कुछ भी डाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिन कोड यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे सिटी है नीचे। ठीक है, सिटी ये जैसे आप ऊपर डालोगे पिन कोड वगैरह तो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पे नॉमिनी प्रूफ टाइप, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉमिनी से आपका मतलब प्रूफ मांगा जाता है, जिसे भी ऐड कर रहे हैं वो एक जेन्युइन बंदा है, जिसको आप ऐड कर रहे हो सही में बंदा है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट टाइप करना है। ठीक है, सिलेक्ट टाइप के अंदर आपको कुछ ऑप्शन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे आधार चूज़ करते हैं। अब आधार का क्या होता है कि हम फोटो निकाल लेते हैं बेसिकली आधार की, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मास्क आधार चाहिए, मास्क। ठीक है, तो मास्क आधार कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है आधार और आगे लिखना है मास्क। ठीक है, डाउनलोड यहाँ से भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक नंबर पर ही ई आधार डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उस वेबसाइट पर जाइए आप, आधार के वेबसाइट है बेसिकली, है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है और आधार की वेबसाइट तो वैसे भी खुलने में टाइम लेती ही है। तो आप वेट कीजिए, जैसे वेबसाइट खुलेगी आपको उसके थ्रू डाउनलोड करना है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज़ है मास्क आधार या फिर ई आधार डाउनलोड कैसे किया जाए, तो उसको देख कर आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको आप यहाँ पे जिससे आप डाउनलोड कर लोगे वो डाल दीजिए, या फिर आप अगर उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते तो सीधे से क्या करना है आपको, यहाँ पे आधार की जगह पैन कार्ड चूज़ करना है क्योंकि पैन कार्ड सभी के पास होगा। तो पैन कार्ड की फ़ोटो ले लेनी है, दोनों तरफ से ले लीजिए, अगर एक तरफ से डाल देंगे तो भी दिक्कत आ सकती है, तो आप दोनों तरफ से ही ले फोटो डालकर उसको एक साथ जोड़ दीजिए, या फिर एक तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन पैन कार्ड का जो डिटेल्स है वो सब कुछ आपका होना चाहिए जो कि ऊपर आप मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरोगे। उसके बाद फाइल पासवर्ड, अगर आपने मतलब कोई जो पीडीएफ वगैरह डाली है तो वो उसका लगेगा, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें।